वेलकम बैक। टाइम हो गया है दोपहर के खाने का और मैं बना रही हूँ आलू वाला पुलाव। मोटे मोटे आलू डाल के तो मैं पुलाव बना रही हूँ। चावलों को जो है मैंने दम पे रख दिया है, बस हल्की आंच पे 10 मिनट 12 मिनट के लिए हम इसको दम लगाएंगे, उसके बाद फिर इनको खोलेंगे। और आंच जो है नीचे बिल्कुल स्लो है। चावल रेडी हो गए हैं, बिल्कुल खिले खिले से चावल बनके तैयार है। देख सकते हैं एक एक दाना जो है ना वो बिल्कुल अलग अलग है। तो बस अभी हम लंच करेंगे और उसके बाद फिर मिलते हैं शाम में। लंच करके ना मैं लेट जाऊंगी। बस मौसम बहुत प्यारा हो गया है, मुझे लग रहा है कि कहीं पे बारिश हो रही है। तो बस अभी बाजीराम की कॉल आई थी, उन्होंने ना हॉस्पिटल जाना है, उनके ना कोई अजीज़ हैं हॉस्पिटल में एडमिट, तो उनकी कॉल आई थी। वो कह रही थी कि दलिया बना दो, तो अब बस मैं उनके लिए दलिया बनाऊंगी। मानी को बोला है कि शॉप से दलिया ला दे, क्योंकि दलिया घर में मौजूद नहीं है। तो बस अभी दलिया बनाऊंगी, उसके बाद शाम का खाना बनाऊंगी और किचन में मिलते हैं। उनके बाद मैं कोई ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि सिस्टर आ गई थी बच्चों के साथ, फिर उनके साथ लग गई। अब मैं सबके लिए चाय बना के नीचे ले जा रही हूँ, बच्चों के लिए साथ में बिस्किट रख लिए हैं, क्योंकि एक अगर खाएगा तो फिर सब लोगों ने पीछे पड़ जाना है। बस अभी मैं चाय लेके नीचे जा रही हूँ। हेलो नूर, क्या कर रही सैफी? इधर करो मुंह। अच्छा, यहाँ पे ना नूर एक सॉन्ग अपना पसंद का लगवा के डांस कर रही थी, सबको दिखा रही थी अपना डांस। इतना सारे हंस रहे थे, इतना वो ऐसे ऐसे एक्शन कर रही थी ना, देख के मैं तो हैरान हो रही थी कि इतनी छोटी सी है। जैसे जैसे वो गाना चल रहा था ना साथ में, वैसे वैसे ही वो बोल रही थी। बहुत ज़्यादा उसने, मेरी तो नूर फेवरेट है, मुझे इससे दिल ही प्यार है। जब ये आ जाती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं फिर इसको कहती हूँ नूर आज तुम मेरे साथ सोगी। वो इतने एक्शन मार रही थी, इतने एक्शन मार रही थी सबको ही, मतलब वो ना अपने, उसने ना अपने ध्यान में सबको लगाया हुआ। और ये हैं सुबह के क्लिप्स। सुबह हो गई थी, सब लोग नाश्ते का इंतज़ार कर रहे थे। आज जो है ना सब लोग इकट्ठे हुए थे, फिर बाजीराम कह रही थी कि चलो बाहर से नाश्ता मंगवा लेते हैं। इतने लोगों का फिर घर में नाश्ता बनाना इतना टाइम लग जाता है। सब लोग जब इकट्ठे हुए होते हैं ना, फिर दिल यही होता है कि बस बैठ के गप्पे शप्पे मारे, कोई काम करने को ना हो। तो बस अभी हम लोग सारे बैठ के फरी लोगों का वेट कर रहे थे और नाश्ते का वेट कर रहे थे। नाश्ता आया है क्या? क्या नान? अच्छा, अंडे चने और ये है जी, इसको क्या कहते हैं, ये भटूरे, भटूरे हैं छोले भटूरे। और ये पूरियां, ये नान भटूरे की छोले भटूरे हुंदा, पूरियों के, पूरियों के बड़े भाई, पूरियों के बड़े भाई। इधर भी चने हम काट रही हैं। अच्छा, इसमें चने हम काट रही हो। सफा क्या कर रही हो तुम? एक नाश्ते बच्चे चार जने लगे हुए हैं। अंडे वाले कोई कितना बड़ा अंडा भी इसमें, मैंने छोटे कितना मोटा अंडा है। माशाल्लाह आज घर में सब लोग आए हुए हैं ना, तो इसलिए नाश्ता जो है सारा बाहर से आया है। इसमें अंडे वाले चने अलग से हैं, हलवा पूरियों के साथ, अचार, सलाद, ये अलग से चने आए हैं, और ये भटूरे हैं, साथ में पूरियां हैं और नान है। तो बस अभी भाई इरफान का वेट कर रहे हैं, वो अभी पहुंचे नहीं हैं, इसीलिए सारे बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि कब आए वो और कब खाना शुरू करें। तो देखते हैं वो कब आते हैं और कब खाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, सब लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया है। अम्मी को हलवा नहीं दिया क्योंकि शुगर है। और यहाँ पे सब लोग जो है खा रहे हैं, फरी सबको डाल के दे रही है और मैंने भी अपनी प्लेट सजा ली है।
दो तरह के चने ले लिए हैं, साथ में थोड़ा सा हलवा, एक पूरी ले ली है, साथ में ले लिया है अचार। तो अब करते हैं अपना नाश्ता शुरू। अच्छा जी, हम लोग सारे पहले तो उधर इकट्ठे हुए थे अब हमारे घर भाई वाले, लेकिन अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। तो अब मैं कुछ दिन यहीं पे रहूँगी भाई, कराड़ी रहूँगी, तो मेरे सारे व्लॉग्स जो हैं आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। बस आपको मैंने यही बताना था, आज की वीडियो जो है बहुत ही छोटी है और यहाँ पे लाइट जो है बार बार आती है जाती है, तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं अपनी वीडियो जो है ना पूरी करके अपलोड कर दूँ और फिर सुकून से अगले ब्लॉग की तैयारी करूँगी। तो मेरी छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं फिर लौट के आऊँगी एक नई वीडियो लेके, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।